नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर सेंट्रल रेलवे का देखिए, आपका दिखाया गया है कि वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप का दोस्तों। RRC CRAA 2022 का अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर 14/1/2022 का। तो ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया आज से इसका ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत है। यहाँ पर ओपनिंग डेट और लास्ट डेट क्लोजिंग टाइम आपका दिया गया है। यह देख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16/2 मतलब अगले महीने फरवरी 16 तारीख तक आपका ये बंद हो जाएगा। 17 यहाँ आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो 2422 पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर और चीज़ देखे रहे, 1900 एक्ट अधिनियम के तहत है। आगे बात कर लेते हैं, ये इसमें और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल का 50% प्लस ITI मार्क्स के साथ इसको जोड़ा जाएगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर देखा जाए कि ये लग रहा है कि मेरिट पे होगा, ठीक है, और अगर पेपर करवाए तो और अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्टेड आप मार्क 100 मार्क्स से आपके टॉपिक के लिए है। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए मुंबई में किस चीज़ जगह पे है, क्या क्या है, वर्कशॉप कौन सा है, वहाँ पर यूनिट नंबर ये सारे दिए गए हैं आपको। दूसरा आपका यहाँ देख सकते हैं, पुणे, नागपुर, सोलापुर, ये सब चीज़ दिया गया है। नोटिफिकेशन में आप बात करेंगे यहाँ पर तो नोट की, तो यहाँ देख सकते हैं नोट के बारे में कि क्या दिया गया है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं मुंबई क्लेस्मर में आपका कौन कौन से ट्रेड है, क्लस्टर आपका दिया गया है मुंबई का पूरा, यहाँ देख सकते हैं कैलेंडर आपका पूरा दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आपका ट्रेड से यहाँ पे दिया है, OBC ST SC TL आपका OH जितना भी है सभी, ITI पास इन ट्रेड, जो भी आपके ITI पास एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका देख सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर्स के लिए ट्रेनिंग आपकी होगी। फिल्टर के लिए पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 182 के लगभग में है, जिससे इसमें देख सकते हैं आपका UR जो है 92, OBC 49 है, SC आपका 27, ST आपका 14, टोटल पोस्ट आपका 182 है। वेल्डर के लिए आप देखिए 6 है, कॉरपेंटर के लिए 28 है आपका, पेंटर जनरल के लिए 24 है आपका। यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी, आप देख लीजिए यहाँ पर इन सब की है 258 के करीब, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन की इसमें भी है आपका 11 पोस्ट है आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपने पोस्ट के बारे में, टोटल पोस्ट इस तरह दिया गया है, ठीक है। आगे मैं और बात कर लेता हूँ हर जगह पे कौन किस जगह पे निकला है। फ्यूटर का 90 पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का 93 पोस्ट, 192 पोस्ट यहाँ भी है आपका, और इस वाले जगह भी देखिए अच्छी पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, 62 सब में अच्छा पोस्ट है दोस्तों। अप्रेंटिस के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, यहाँ पर आपका देखिए 51 पोस्ट के करीब में है, ठीक है। UR के लोगों के लिए 25 पोस्ट के करीब में यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट की, 313 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका 2422 पोस्ट इससे देखना है दोस्तों, और हर जगह यह फॉर्म आप देख सकते हैं, और जहाँ पर आपका अच्छा लगे तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे कि लास्ट डेट की, तो आपका लास्ट डेट फरवरी 16 तारीख, मतलब दूसरे महीना फरवरी में 16 तारीख का आपका लास्ट डेट है दोस्तों। यहाँ पर कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एज लिमिट की बात किया गया है, SC ST आपका 5 ईयर्स और 3 ईयर्स आपका OBC कैंडिडेट जो रहेगा आपका 3 ईयर्स रहेगा। और एज की बात करेंगे UR SC ST OBC आप देख सकते हैं 1995, 93, 93 और 98, इस अकॉर्डिंग के अनुसार ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनका एज एलिजिबल क्राइटेरिया आपका इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इस डिस्क्रिप्शन में और क्या लिखा हुआ है, 10+2 भी होना चाहिए, 50+ ITI मिनिमम मार्क्स आपका जो भी है उसमें होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल आपका 100 रुपया की यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट ऑनलाइन आपका जो भी रहेगा प्रक्रियाएँ रहेंगी, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोग, मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और अप्रेंटिस के लिए आप एक्टिव रहें, ठीक है। ये सारे उसके कुछ बेसिक नॉलेज दिए हुए हैं तो आप इनमें देख सकते हैं। अभी इसमें आप लोगों का गाइडेंस लिए कुछ है नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। जो चीज़ था इम्पोर्टेंट मैंने आपको क्लियर करवा दिया और प्रोवाइड कर दिया।
एनसीबीटी एससीबीटी देख लीजिए, यहाँ पर टेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीबीटी प्रोविजनल नेशनल ट्रेड है आपका सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीबीटी एससीबीटी दोनों ट्रेड से आप रहेंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रेड वाले यहाँ देख सकते हैं, आपका पीडब्ल्यूडी भी रहेगा यहाँ पर आपका ये। और चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, वैसे अब कोई हेल्पफुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं आपका, इंस्ट्रक्शन आपको गाइडेंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, चले गए तो मैं बात करूँगा अब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए और आपका देखिए कब आपका बुलावा आता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। चले दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।